एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक हाथरस में स्थित महू खास गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 25 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर ही है। लगभग 6000 की आबादी व 3000 वोटरों द्वारा रीता नरवरिया को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 750 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 255 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 98 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा 15 हैंडपंपों को भी रिवोल कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में लगभग 275 विद्युत पोल, 10 विद्युत ट्रांसफार्मर व 50 सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 14 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी की टंकी का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 225 इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय में पानी की टंकी, पशु चिकित्सालय, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधान ग्राम पंचायत मझिला से बोल रहा हूँ, विकासखंड हाथरस से, और मैंने अपने गांव में काफ़ी इंटरलॉक 8-10 काम इंटरलॉक के कराए हैं, 5-6 खड़ंजे भी कराए हैं, नाली भी जूटा नाली काफ़ी काम कराया, काफ़ी लोग हमारे गांव के लोग खुश हैं हमारे काम से, और मतलब जो हम जो अपने 6 नल रिवर भी कराए हैं, और वैसे भी सब कुछ काम साफ सफाई तो हम चला रहे हैं, और 300 करीब शौचालय बन चुके हैं हमारे गाँव में स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से, और हम जो आशा करते हैं कि हमारा जो अखिल भारतीय संगठन है अच्छा चलेगा। हमारे गांव में एक समुदाय केंद्र बना हुआ है जिसमें आज तक कभी डॉक्टर नहीं आए और ना ही कोई डॉक्टर बैठे हैं। गांव की भी मनता है कि यहां पर कोई डॉक्टर बैठे आए तो गांव के लोग वाकई काफ़ी खुश होंगे, और हमारे गाँव में जो तालाब सौंदीकरण नहीं है तो तालाब का भी एक सौंदीकरण हो जाए, और हमारे गाँव में जो समुदार घाट हमने बनवा दिया है, हमको केंद्र सरकार से जो राज्य सरकार से समुदाय घाट मिला है, और हमने जो बना दिया समतल घाट उसका अच्छा है, सौंदर्यीकरण है, उसको लोग देखते हैं अच्छा, लोग बताते हैं काम अच्छा हुआ है, और रास्ता भी अच्छी हो रही है, हमारे गांव का काम भी सही चल रहा है, और जो है हमारे गांव में सब जगह हमारे गांव में एक डॉक्टर मिल जाए तो और अच्छे लोग खुश रहेंगे, तो एक समुदाय केंद्र में डॉक्टर की भी विशेषता मिल जाए तो बढ़िया बात है। आवास तो कई 2 साल से दो 3 साल से आई नहीं हमारे गाँव में, करीब ऐसे गाँव लोग हैं जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं तो उनके 10 आवास मिल जाए तो गाँव में और सुविधा हो जाएगी, और 10 आवास मिल जाए तो कोशिश कर देंगे, 2 साल से मिल जाएगा आपके लिए आवास नहीं है, और शौचालय का भी पैसा पड़ा, शौचालय का चल रहा है काम, शौचालय का भी काम चल रहा है, कोई बात नहीं है, और हमारे गांव में जो खड़ी नाली जो खड़ी है वो सब सही चल रहा है, स्कूल भी है, पंचायत घर भी हैं, संगठन है बहुत ही मजबूत और अच्छा काम कर रहा है, हम अखिल भारतीय प्रधान संगठन से बहुत खुश हैं, और हमारे जो प्रधान की संगठनों का जो पूरा सहयोग चल रहा है इसमें, और अच्छा अपना कार्य योजना अच्छा कार्य भी दे रहे हैं, लोग इससे प्रधान संगठन से खुश भी हैं, सारे प्रधान जो है संगठन से बहुत खुश हैं, हम तो हम भी इससे खुश हैं संगठन से, और हमारे आशा करते हैं कि आगे भी संगठन हमारा मजबूत रहे, मजबूत बने तो लोगों को भी जागरूकता मिले कि हाँ प्रधान संगठन कोई है। कुलवीर सिंह है, नाम मझोला है, ऐसे प्रधान जी ने बहुत बढ़िया काम कराया है, अभी तक किसी ने नहीं कराया, इतना बढ़िया टॉप का काम कराया है, वो करा रहे हैं, यही बोल।